करते हैं कर्नाटक के बेलगावी का, जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में देश दुनिया के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया और इस दौरान आसमान में किस्म किस्म की पतंगों में बहुत से रंग नजर आए। इस पतंगबाजी के साथ कई और प्रोग्राम हुए जिनका आयोजन 2 साल के बाद किया जा रहा है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा है। ये तस्वीरें मकर संक्रांति के बाद की है और कर्नाटक के बेलगावी के उस ठिकाने की जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया गया, जहां देश भर से अलग अलग ठिकानों से आए पतंगबाजों ने अपने हुनर का जौहर दिखाया। पहले जरा इस पतंग को ले लीजिए, कुछ नहीं तो 100 पतंगें एक कतार में होंगी जो आसमान में ऐसे इठला रही है मानो अपनी आजादी का जश्न मना रही है। और इसके ठीक बगल में इसकी जुड़वा बहन भी जैसे गोते लगा रही हो। एक साथ कतार में सजीन पतंगों की माँ यानी बड़ी पतंग सबसे ऊपर आसमान में लहरा रही हो, जो मानो अपने बच्चों को अपनी तर्ज पर उड़ना सिखा रही है। अब दूसरी पतंग देखिए, ये पतंग आकर्षक भले ही हो लेकिन डरावनी नजर आ रही है। हालांकि रंगों के तालमेल ने इसकी खूबसूरती बरकरार रखी है। कुल 12 देशों से पतंगबाज भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। हमारे देश से जो अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज है वो लगभग 30 पतंगबाज इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग 4 दिन का महोत्सव रहेगा। इसमें 2 दिन अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और 1 दिन बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन रहेगा। उमंग यूथ फेस्टिवल है, चिल्ड्रंस फेस्टिवल है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है। तो 4 दिन में लगभग 3-3.5 लाख लोग इसमें भाग लेंगे देखने के लिए। अब जरा यहाँ उड़ने वाले पतंगों पर भी नजर डालिए। यहाँ आई लव बेलगाम नाम से पतंग है, तो वहीं साउथ की सुपरहिट फिल्म कंटारा से भी जुड़ी पतंग भी देखी जा सकती है। इसके अलावा इंडिया की पहचान से जुड़ी पतंग भी यहाँ आसमान में लहराई गई। ये आयोजन 4 दिन चलेगा जिसमें 2 दिन पूरी तरह से पतंगबाज के नाम है, जिसमें बच्चों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन शो का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।